पंडित दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने शनिवार को एक बार फिर कुदाल और झाड़ू उठाकर गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभिन्न स्थानों की साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए NSS के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर केशव सिंह ने कहा, राष्ट्रीय सेवा योजना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा विगत दिनों यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक शनिवार को पूरा विश्वविद्यालय परिवार राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ स्वैच्छिक श्रमदान की योजना तैयार की गई और हम लोग पिछले शनिवार से यहाँ साफ सफाई का काम कर रहे हैं। आज उसी योजना के तहत जो दूसरा शनिवार था इसमें हम लोगों ने यहाँ सैन्य विज्ञान के सामने कॉलोनी है उसके सामने हम लोगों ने साफ़ किया, बायोटेक्नोलॉजी के सामने साफ की सफाई हुई और AD बिल्डिंग के दक्षिण साइड में जो घास थी और टुकड़े थे कागज़ के उसको हम लोग साफ़ किए। हमारे स्वयंसेवक इसमें चढ़ बढ़ के भागीदारी कर रहे हैं और हमारी योजना है कि हम क्रमशः धीरे धीरे ऐसे ही स्वैच्छिक श्रमदान के सहारे अपने पूरे कैंपस की साफ़ सफाई हम रखेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के तहत हमारा अपना धर्म बनता है कि हम जहां नौकरी करते हैं या जहां हमारा आवास है हम उसको अपने स्वयं जागरूकता ला करके उसकी साफ़ सफाई करें, जिससे कि जब हम साफ़ सफाई रखेंगे तो बाकी लोगों के अंदर भी जागरूकता आएगी। इसी योजना के तहत हम धन्यवाद देते हैं माननीय कुलपति जी को, अपने रजिस्ट्रार साहब को, वित्त अधिकारी महोदय को, लेखाधिकारी महोदय को, परीक्षा नियंत्रक महोदय को कि उन लोगों ने भी मेरे इस कार्य में सहयोगी सहभागिता निभाई है और मैं आभारी हूँ अपने शिक्षक संघ अध्यक्ष जी का, अपने शिक्षक बंधुओं का, कर्मचारी संघ अध्यक्ष, कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष का और कर्मचारी बंधुओं का, जो लोग सब लोग हमको सहयोग दे रहे हैं और एक बढ़ चढ़ के कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे हैं जिससे हम अपना कैंपस साफ कर सकें। धन्यवाद।